हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था कि जब किसी सिंगल जीन में ऑल्ट्रेशन हो जाती है तो उसकी वजह से वो डिसऑर्डर होते हैं। इसी तरीके से जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, दे आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। जब या तो एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम बढ़ जाए या घट जाए या एबनॉर्मली अरेंज हो जाए, मतलब अपनी पोजीशन बदल ले, तो उसकी वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं। आपको पता है कि सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिड्स थे वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, बट कई बार ऐसा हो पाता है कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से या तो किसी क्रोमोसोम का नुकसान हो जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम कम हो जाता है या बढ़ जाता है। इसे हम बोलते हैं एनियोप्लॉडी। फॉर एग्जाम्पल, एक डिजीज होती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 21 है उसमें पर्सन के अंदर उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी चली जाती है। मतलब नॉर्मली वो सिंगल जाना चाहिए था बट उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा चली जाती है। इसी तरीके से जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि आपको पता है फीमेल्स में दो एक्सएक्स क्रोमोसोम होते हैं, बट कई बार दोनों एक्स में से सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम रह जाता है, सो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सेल डिवीजन के टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, बट अगर वो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम्स का पूरा सेट, यानी कि आपको पता है कि 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो कई बार पूरे के पूरे 23 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीप्लॉयडी। तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, एनियोप्लॉयडी में एक सिंगल क्रोमोसोम बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन पॉलीप्लॉयडी में पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम का सेट है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं, इनमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी इंडिविजुअल में किसी क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी भी आके जुड़ जाती है, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक पूरी की पूरी कॉपी या पेयर कम भी हो जाए। सो दीज सिचुएशंस आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी। अगर तो एक कॉपी एक्स्ट्रा जा रही है तो आपको पता है जनरली डिप्लॉयड, यानी कि दो क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक और चला गया, एक पेयर एक्स्ट्रा चला गया, तो उसे हम बोलेंगे ट्राइसोमी, यानी कि वो ट्रिपल हो गया, और अगर एक पूरा का पूरा पेयर कम हो जाए तो उसे हम बोलेंगे मोनोसोमी, मोनो मीन्स वन। तो इस तरीके से काफी सारी जो है सीरियस डिजीजेज हो सकती हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो ऊपर वाले डायग्राम में, यहाँ पर एक बच्चा है जिसे डाउन सिंड्रोम है, यानी कि जिसको आप ट्राइसोमी 21 भी बोलते हो, कि जनरली हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और हर एक पेयर में दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो 21 क्रोमोसोम है उसमें दो आने की बजाय तीन क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा है, एक तो उसकी जो हेड है वो पीछे से फ्लैट होता है, उसका जो फेस है वो बिल्कुल ब्रॉड यानी बिल्कुल चौड़ा और फ्लैट हो जाता है, उसकी जो टंग है वो बड़ी हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, उसको हार्ट डिजीज रह सकती है, पाम क्रीज यानी कि हाथों के ऊपर उसकी लाइंस हो सकती हैं, मतलब मंकी जैसी अपीयरेंस उस बच्चे की हो जाती है। तो इसलिए इस डिजीज को हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 21 क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी चली जाती है। सबसे पहले इसको लैंगडन डाउन ने बताया था, उन्हीं के नाम पे हमने इसको नाम दे दिया डाउन सिंड्रोम। इसमें जो बच्चा है उसका हेड जो है छोटा सा रह जाता है, टंग फरो यानी कि घूमी हुई रह जाती है, उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा खुला रहता है, बिल्कुल बंद नहीं रहता, पाम के ऊपर क्रीज यानी कि लाइंस बन जाती हैं, और उस बच्चे की ना तो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाती है, ना ही मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाती है, और ना ही साइकोमोटर यानी कि ना ही वो अपने हैंड्स की मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपको पता है नॉर्मली जो मेल है उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होती है, उनके अंदर जब एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाता है, यानी कि 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम्स हो जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि एक्स वाई की जगह उनमें एक्स एक्स वाई पाया जाता है। तो ऐसे जो मेल्स होते हैं उनकी अंदर मैस्कुलिन डेवलपमेंट यानी कि जो लड़कों में डेवलपमेंट होनी चाहिए वो सब तो रहती है,
उसके साथ साथ उनमें कुछ फीमेल के फीचर्स भी देखे जाते हैं क्योंकि उनके पास एक एक्स एक्स्ट्रा चला गया, जैसे कि उनमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम गाइकिनोमेस्टिया भी कहते हैं, और ये इंडिविजुअल स्टराइल होते हैं यानी कि इनके आगे बेबीज नहीं हो सकते। इसी तरीके से जो टर्नर सिंड्रोम है वो फीमेल्स में देखा जाता है, नॉर्मली जो फीमेल्स हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं, बट अगर एक एक्स क्रोमोजोम कम हो जाए तो इनमें सिर्फ 45 क्रोमोजोम्स रह जाएंगे जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्स की जगह अब उसके पास एक्स जीरो रह गया। ऐसी फीमेल्स भी स्टराइल होंगी यानी कि वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनमें ओवरीज होती हैं बट वो रूडीमेंट्री है मतलब वो फंक्शन नहीं करती, साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे सेक्सुअल करेक्टर्स भी उनमें एबसेंट रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं क्लिनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम की। इसमें जो मेल है वो हद से ज़्यादा लंबा है और उसमें कुछ फीमेल करेक्टर्स भी है जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से अगर हम टर्नर सिंड्रोम देखें तो जो फीमेल है उसकी हाइट काफ़ी कम रह जाती है, उसकी भी जो ओवरीज है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती जिस वजह से वो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर होते बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी, लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है।